तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे, पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1,00,000 करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। 50,000 करोड़ रुपए सालाना कम से कम 2 साल तक, मतलब 1,00,000 करोड़ रुपए का भीख मांगने के लिए भगवंत मान चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, जो फ्री के वादे इन्होंने किए थे उसको पूरा करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि झूठे वादे तुम करो और अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो उसको पूरा करेगी भारत की सरकार। फ्री फ्री के तुम नारे लगाओ, बिजली फ्री, महिलाओं को 1,000 रुपये फ्री, 25,00,000 रुपये तक की हेल्थ फैसिलिटी फ्री, एडुकेशन फ्री और पला पता नहीं क्या क्या, ये सारे वादे करो तुम, और उसके पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो देंगे मोदी जी। बहरहाल आपने कोई सुरखाब के पर तो लगे हुए नहीं है कि ये पैसे आपको मिल जाएंगे। आप जब वादे कर रहे थे तो आपको सोच समझ के करने चाहिए थे। आप आज कहते हैं कि 3,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब पे है, तो ये कर्ज तो आज तो हुआ नहीं, ये इलेक्शन के पहले भी था, या फिर सस्ता नशा करके भाषण देते वक्त आप ये भूल गए होंगे या आपको जानकारी नहीं होगी। दोनों में से क्या बात है? मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल जी धूर्त हैं और उन्हें पता था कि 3,00,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो फ्री का सोसा फेंक देते हैं, बाद में पूरा करेंगे या नहीं करेंगे देखी जाएगी। फिर भी केजरीवाल के पास कोई ना कोई प्लान तो होता ही है, तो ये है केजरीवाल का प्लान। पैसा कहाँ से आएगा? बिकॉज जो मेन प्रॉब्लम पंजाब की है वो जो कर्जा है, 5,00,000 करोड़ का कर्जा। कर्जा भी खत्म, 5,00,000 नहीं 3,00,000 करोड़ है। 3,00,000 करोड़ का कर्जा ख़त्म करेंगे पंजाब का, और पंजाब के पूरे बजट को पॉजिटिव लाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में करप्शन, एक अगर गवर्नमेंट ठेका दे तो उसमें कितनी परसेंट करप्शन होती है मोटे मोटे? क्या सुना है आपने, लोग क्या कहते हैं? मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगी, आपको पता होगा, आपने रिसर्च करी है। मैं जनता से पूछता हूँ, कोई कहता है जी 40% पैसा, 50%, मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा 20% मान लेते हैं। तो 1,70,000 करोड़ का बजट है, तो 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में चला गया पैसा। अगर हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया जैसे दिल्ली में करा है, तो 34,000 करोड़ तो यहीं से आ गया। 20,000 करोड़ मैंने हिसाब लगाया रेता, अगर हमने रेते की चोरी बंद कर दी, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए। आपने 10,000 करोड़ कहा था, मेरा ये सवाल भी था कि 10,000 करोड़ की फिगर कहाँ से आई? आप 20,000 नहीं मैं 10 तो वो है जो खर्चा आएगा, 20,000 को मैं समझा देता हूँ पूरा। तो 20,000 करोड़ रेवेन्यू तो रेते से आएगा, तो 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी करके बैठा हूँ। अभी तक मैंने जितनी घोषणाएं की हैं, बिजली की घोषणा की थी और इसकी महिला वाली घोषणा की है जो फ्री भी के, महिला वाले में 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा और बिजली वाले में 2,500 से 3,000 करोड़ का, तो 12,000-12,500 करोड़ की मैंने घोषणा की है और 54,000 करोड़ एक्स्ट्रा आपको अभी बता दिया कहाँ से आएगा। तो ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए आपको साल के चाहिए और 54,000 करोड़ रुपए का प्लान केजरीवाल के पास रेडी है। 1 महीना पुराना इंटरव्यू हुआ है जिसमें वो कहता है कि 54,000 करोड़ रुपए हर साल के हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो 4,000 करोड़ का मुनाफा ही है आपके पास, तो उस 4,000 करोड़ से अपने वित्तीय घाटे को और आपके जो डेट हैं 3,00,000 करोड़ का वो कम करिए, और 50,000 करोड़ रुपए से आपने जो फ्री का वादा किया है उसे पूरा करिए। क्योंकि 50,000 करोड़ रुपए भारत सरकार आपको देगी तो बाकी स्टेट्स ने कोई पाप तो किया नहीं है, उनका भी उतना ही हक है जितना कि पंजाब का है। आपकी गलती नहीं है, गलती जनता से हो गई है कि एक शराबी और एक मक्कार के ऊपर लोगों ने भरोसा कर लिया। देखते हैं कि ये दोनों की जोड़ी जो है, ये रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, ये कहाँ तक अपने वादों को पूरा कर पाती है। मुझे तो संशय है, क्योंकि ये दिल्ली जैसा स्टेट तो है नहीं पंजाब। दिल्ली में बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, तो उनसे रेवेन्यू ज़्यादा है और खर्च करने के लिए आपके पास पैसे ठीक ठाक आ जाते हैं जो आप बांट लेते हो 100 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली दे के। लेकिन पंजाब का मामला उल्टा पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स भी देने हैं, यूरिया भी देना है, गाँव में बिजली भी देनी है, नहरें भी खोदनी है,
सड़कें भी बनानी हैं जो दिल्ली में आपने करना नहीं होता है। तो चैलेंज तो अब है, देखते हैं कि क्या क्या आप कर पाते हैं। रायता आपने फैला तो दिया है, अब मोदी जी नहीं समेटेंगे, समेटना तो तुम्हें ही पड़ेगा। आपकी क्या राय है, केजरीवाल क्या अपने वादे पूरे कर पाएंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।